चंद्रयान 3 को अब कल जगाने की कोशिश होगी। इसरो वैज्ञानिक बोले, आज शाम को कम्युनिकेट करना था लेकिन कुछ कारणों से इसे टाला। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से इसरो अब कल यानी 23 सितंबर को संपर्क की कोशिश करेगा। पहले ये कोशिश 22 सितंबर की शाम को की जानी थी लेकिन कुछ कारणों से इसे आज के लिए टाल दिया गया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने यह जानकारी दी है। 14 दिनों की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। ऐसे में इसरो को स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड में डाला था। इससे पहले 2 सितंबर को रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। इसरो ने लैंडर रोवर के रिसीवर ऑन रखे हैं। रोवर ऐसी दिशा में कि सूर्य का प्रकाश सौर पैनल पर पड़े। इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले बैटरी को फुल चार्ज रखा था। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे और पैनलों पर पड़े। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा था। 23 अगस्त को इसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग 4 फेज में हुई थी। इसरो ने 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:54 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर पूरा कर लिया था। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 3.84 लाख किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 55 लाख किलोमीटर की यात्रा की। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही क्यों? चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों का ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी रात होती है, यानी चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक सूर्य की रोशनी रहती है। रात में चांद के साउथ पोल पर तापमान -200 डिग्री तक गिर जाता है। रोवर लैंडर सूर्य की रोशनी में तो पावर जनरेट कर सकते हैं लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन रुक जाता है। पावर जनरेशन रुकने से इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड झेल नहीं पाते और खराब हो सकते हैं। अमेरिका और रूस जैसे देश पावर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके मिशन ज्यादा समय तक चलते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।